चैन चैन बढ़ा के रखो भाई। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज दरगाह क्षेत्रवासियों द्वारा मेडिकल टीम्स और पुलिस जो यहाँ पे तैनात है उनका स्वागत किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से? मैसेज यही है कि अभी लड़ाई जारी है कोरोना के खिलाफ, तो घर में रहें और पुलिस और प्रशासन दोनों की मदद करते रहें, अपना भी बचाव करें और लोगों का भी बचाव करें। आज हमारा अंदर कोर्ट और यहाँ पूरे दरगाह क्षेत्र के सारे निवासियों ने, हमें चिकित्सा कर्मियों का और पुलिस का, प्रशासन का, सबका आज उन्होंने स्वागत करा है पुष्प वर्षा करके। हम इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जताते हैं और आश्वासन देते हैं कि पूरा चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन वो सारा मुस्तैद है इस कोरोना की लड़ाई के अंदर, पूरा अपना जी जान से जुटा हुआ है। और यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर हमारी मेडिकल की टीमें प्रतिदिन रोज़ भ्रमण कर रही हैं और घर घर जाके सर्वे का कार्य कर रही हैं, और जो भी अगर उसके अंदर कोई इस तरह का रोगी मिलता है जिसके खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता है तो उसके हम सूचना देते हैं, फिर हम उसकी जांच करते हैं। और अगर उसके किसी की हिस्ट्री होती है कहीं कि भाई अगर उनके किसी की हिस्ट्री होती है कि बाहर वो कहीं पे उनकी जयपुर या जो भीलवाड़ा या कहीं से हॉट स्पॉट एरिया से कहीं आए हुए हैं तो हम उसको उसकी कोरोना की जांच कराते हैं और उनके क्वारंटाइन करवाते हैं उसको। तो ये हमारे डेली इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। आपने कितने लोगों की स्कैनिंग करी इस क्षेत्र में और अब तक कितने पाए गए, ये बताएं? अंदर कोर्ट में हमारे डेली 10 से 12 टीमें यहाँ पे कार्य कर रही हैं जो रोज़ कम से कम 1000 लोगों की स्क्रीनिंग करती हैं, और अभी तक हमने कम से कम 150 लोगों को तो क्वारंटाइन कर रखा है, जिसके अंदर कोई हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है और अधिकतर होम क्वारंटाइन है, और कम से करीब 30 लोगों के हमने कोरोना की जांच करा चुके हैं क्षेत्र से, जो कि अभी तक सबकी नेगेटिव आई है। सर, मेडिकल इसमें हमारे तो अंदर कोर्ट में तो एक डिस्पेंसरी है जिसमें 12 जने लगे हुए हैं, और फील्ड के अंदर हमारे कम 15 टीमें काम कर रही है जिसके अंदर ANM, आशा सहयोगिनी और नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो कार्य कर रहे हैं नियमित रूप से डेली। सर, नाम बताइए। मैं डॉक्टर अजय महावर, अंदर कोर्ट डिस्पेंसरी। पुलिस की ये जो पहल हुई है पूरे इस कर्फ्यू एरिया के अंदर, जिस तरीके से पुलिस ने आम लोगों के ऊपर काबू किया है, और यहाँ एक कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे एक घर के अंदर हम 15-20 लोग हर घर के अंदर इतने रहते हैं, और इसके बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, लोग राशन के सामान के लिए फिर भी अपने सामान घरों तक पहुँच रहा है, फिर भी पुलिस और डॉक्टर की ये व्यवस्था है कि इतने ऐसे माहौल में भी सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात इन्हीं को रहती है, हर लोगों से मिलते हैं उसके बावजूद इनकी हिम्मत से ये सब काम चले, इसलिए हमने सोचा कि इनके ऊपर पुष्प वर्षा करी जाए। इन्होंने पैदल मार्च यहाँ से लेके पूरे दरगाह एरिया में निकाला है। तो आज कहाँ पे वर्षा की? दरगाह के मेन गेट स्वागत पे खादिम समुदाय की तरफ से, बाकी अंदर अंदर एरिया के अंदर जो लोगों ने करी अंदर हो रहे हैं। आपका नाम? सैयद अहमद चिश्ती, पार्षद दरगाह क्षेत्र।